अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन लर्निंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी और दी गई सारी एक्सरसाइजेज आप अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलें जी। आप मुझे बताइए, अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक बहुत अच्छा त्यौहार गया है। कौन सा त्यौहार गया जी? हम सब ने ईद मनाई। अच्छा, ईद से दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो ईद से ईद ही आती है। आप बताइए, कितनी ईदी जमा की? मैंने तो बहुत सारी ईदी जमा की। ठीक है, चले जी। आपने भी मुझे पता है सबसे ईदी ली होगी और बहुत सारे पैसे अच्छे से जमा किए होंगे। अच्छा चलें, आपके पास नोट्स की सूरत में ईदी आई होगी ना? चलें, आज हम नोट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास जो नोट्स हैं वो किस तरह बने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है बच्चों, चलें जी। आज हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर मनी से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ आपको कुछ नोट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा नोट है? सही गेस किया, बिल्कुल हमारे पास 20 रुपीज़ का नोट है। इसके बाद हमारे पास 50 रुपीज़, देन हमारे पास 100 रुपीज़ और उसके बाद हमारे पास 1000 रुपीज़ का नोट है। अच्छा, अब आप देखिए कि जो 10 रुपीज़ का नोट है उसमें आप देखें किसकी तस्वीर बनी है। जी, तस्वीर इसमें हमारे कायदे आज़म की बनी है, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके पाकिस्तान बनाया। अच्छा, आप मुझे देख के बताइए, 20 रुपीज़ के नोट में कौन सी ज़बान में सब लिखा हुआ है? सबसे पहले आप देखिए, जी उर्दू में लिखा हुआ है बैंक दौलत पाकिस्तान। जी, बैंक दौलत पाकिस्तान, जो के नोट्स को इशू करता है। अच्छा बच्चों, आपको इसमें कुछ नंबर्स भी तो दिख रहे हैं। जी, इसमें नंबर 20 लिखा हुआ है, यानी कि ये 20 रुपीज़ का नोट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको नोट की दोनों साइड्स पे कुछ नंबर्स दिए हुए नज़र आ रहे होंगे। जी, ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो हमेशा एक नोट को ही असाइन किए जाते हैं। जो नंबर एक नोट पे आ गया वो किसी दूसरी नोट पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप नोट को ज़रा सा टर्न करें। जी, टर्न करेंगे तो आपको कोई पिक्चर नज़र आ रही है, कोई जगह नज़र आ रही है। 20 रुपीज़ के नोट पे पीछे मोहनजोदड़ो की पिक्चर नज़र आ रही है। आपने सुना है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 50 रुपीज़ की नोट नज़र आ रही है। 50 रुपीज़ में फिर पाकिस्तान की नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर नज़र आ रही है और उसके साथ साथ पिछली नोट की तरह इस पर भी कुछ छोटे नंबर्स शो किए गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस पर रुपीज़ शो किए गए हैं कि ये 50 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस नोट को टर्न करें तो इस पर क्या बना हुआ नज़र आ रहा है? कोई गैस कर सकता है? जी, वेरी गुड, इस पे बना हुआ है कराकोरम पीक, यानी जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकोरम हाईवे जहाँ बनी है, ये कराकोरम पीक यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, 100 रुपीज़ में भी बैंक दौलत पाकिस्तान लिखा है, लेकिन जब आप इसको टर्न करेंगे तो इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद आपके पास एक नोट और नज़र आ रहा है और वो नोट है 1000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, ये नोट जिसके पास हो वो तो अपने आप को अमीर समझता है। मेरे पास तो ये बहुत सारे नोट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी जमा करूँ। आप बताइए, आपको शौक़ है ज़्यादा पैसे जमा करने का? अच्छी बात है, जमा करें और उसे
अच्छे कामों पर खर्च भी करें। अच्छा बच्चों, 1000 रुपीज़ के नोट को अगर आप पीछे पलट कर देखें तो आपके पास पिक्चर में क्या बना नज़र आ रहा है? कोई बिल्डिंग? जी, कहाँ की ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग इस्लामिया कॉलेज पिशावर की बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 7 पर ही बी सेक्शन में आप देखिए आपके पास कौन सा नोट बना हुआ है। जो दो नोट्स यहाँ हैं उसको तो ऑलरेडी ऊपर की एग्जांपल में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आप मुझे बताइए थर्ड न्यू नोट कौन सा है। जी, ये है 5000 रुपीज़। ठीक है, 5000 रुपीज़ में भी सेम हर चीज़ वैसे ही मेंशन है। अभी आप उसको अगर टर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर फैसल मॉस्क बनी हुई है। जी हाँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स फैसल मॉस्क गए होंगे जो कि इस्लामाबाद में है। ठीक है बच्चों, आज हमने नोट्स को सीखा कि उस पर नंबर्स होते हैं, उस पर बैंक का नाम लिखा हुआ होता है कि स्टेट बैंक इशू करता है ये सारे नोट्स। अच्छा, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी इज़ हेयर। अब हमारे पास जितने भी नोट्स थे हमने उनको ऐड करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपया। उसके बाद हमारे पास है 100 रुपीज़, उसके बाद हमारे पास है 50 एंड 20 रुपीज़। अब आप इन सारे नोट्स को कंबाइन करें, अब इनको मिलाएं तो टोटल अमाउंट आपकी क्या बनेगी? जी, 1170 रुपीज़। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब आप बी सेक्शन की तरफ आइए, आप देखिए आपके पास कौन सी नोट्स हैं। पहले आपके पास 5000 की नोट है, उसके बाद आपके पास 1000 और उसके बाद आपके पास 10 रुपीज़। ठीक, अब आप इन सब को काउंट करें और बताइए कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट जमा हो गया। जी, 6010 रुपीज़। हमारे पास 6010 रुपये जमा हो गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आप दूंगी, आप अपने घर में डिफरेंट नोट्स जमा कीजिए और उनको जमा करके अपनी अमाउंट को काउंट करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और बग़ैर पूछे किसी से उनके पैसे नहीं लेने, ये अच्छे बच्चे नहीं करते। ठीक है बच्चों, आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आई होप आपकी ट्यूटर आपसे फ़ोन पर रابطہ करेंगी और आज की क्लास के बारे में आपसे पूछेंगी कि आपने क्या सीखा और कितनी इसकी प्रैक्टिस की। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।